वासना से आ रही। ना पार्सल को खोलना, ना खोलना, मुंह ना डील के बारे में किसी को बताना। कौन हो तुम? अरे व्हाट द हेल, ओए मुंह खोल सकता हूं, पानी पी सकते हो तो, लेकिन एक शर्त, अगर तुम चिल्लाई तो किशो पार्सल जैसे मिला वैसे डिलीवर करना है। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, डिलीवरी टाइम पे कर। कैरेन कम ऑन, चल। प्लीज प्लीज मुझे बाहर रहने दो, प्लीज। पार्सल खोला, रूल तोड़ा पहली बार, अब और रूल नहीं तोड़ना है मुझे। कम ऑन, कैरेन। अच्छे इंसान लगते हो। बहुत बुरा इंसान। पार्सल डैमेज ना हो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके? पहली बार हो रहा है ऐसा। कैसा? मेरे पार्सल में एक इंसान
तुमने जब आज से पहले कभी पार्सल खोल के ही नहीं देखा तो तुम्हें कैसे पता कि पहली बार हो रहा है? That's it. चल। अब प्लीज मुझे अंदर मत डाल प्लीज। उस वक्त तो मैं बेहोश थी इसलिए पता नहीं चला, लेकिन तुम्हें सांस भी नहीं ले पाऊंगी, इससे तो बेहतर है तुम मुझे मार दो। ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, ओके? तो फिर प्लीज प्लीज मुझे बाहर रहने दो, मैं बिल्कुल तंग नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। और पहुंचने से पहले ना मैं खुद अंदर चली जाऊंगी, प्लीज। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने रूल तोड़ा। व्हाट नॉनसेंस, कम ऑन, चल। प्लीज प्लीज मेरी बात सुन। मरने से पहले मेरी लास्ट विश है, एक बार मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ, प्लीज। चलो जिया। और तुम, नाम नहीं है तुम्हारा? पार्सल। क्या? तुम मेरे लिए सिर्फ एक पार्सल और कुछ नहीं। मरने वाली हो, ये कैसे पता तुम्हें? बस पता है, किसी के लिए खतरा जो हूं मैं, और वो इस खतरे का सामना करने की जगह मुझे खत्म कर देना चाहता है, अपना असली चेहरा दुनिया से छुपाना जो चाहता है। कोई चला के नहीं, भागना चाहती हो? हाँ। चल। अरे। और खोल पार्सल। कहाँ प्रॉब्लम में फंस गया हूँ? बड़ी प्रॉब्लम है। मैं नहीं, तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही।
अगर अंदर जाके तुम चिल्लाई या कोई तमाशा किया, सीधे उसी डिब्बे में डाल दूंगा जहां से लेकर आया। Get that? सुनो, बोलिए। मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो एक काम कीजिए, पीछे के दरवाजे से ले आइए। अगर ला पाता तो 5 किलोमीटर क्यों चलता? तुम चलो और चल के रिपेयर करो। मैं अभी इस वक्त अपना गैरेज छोड़ करके नहीं जा सकता। तो ठीक, मेरा मतलब है हम यहां रुकते हैं और तुम जाकर गाड़ी ठीक करके यहां पर लेकर आओ, ठीक है? पर ऐसे कैसे मैं अपना गैरेज आपके हवाले छोड़ के चला जाऊं? क्या मैं तुम्हारे एक टायर और स्टेपनी चोरी कर लूंगा? चोर नजर आ रहा हूं क्या मैं? ठीक, आप एक ये घड़ी रख लो, तुम्हारे ये गैरेज और उसके सामान से ज्यादा महंगा है, और गाड़ी जाओ और लेकर आओ। ठीक, लेकिन अच्छे से देखना हमारा गैरेज। वॉशरूम जाना है मुझे। चलो। चलो जाओ अंदर। ऐसे जिसको जल्दी करो, वक्त तो ज्यादा मेरे पास भी नहीं है। मुझे लगता है हमें रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। क्या तुम पूरी रात मुझे अपने साथ ऐसे बांध के रखोगे? हाँ। ऐसे रखने से तो अच्छा है कि तुम मुझे अभी मार दो। तुम बार बार मरने मारने की बातें क्यों करती हो? मैं सिर्फ डिलीवरी का काम करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं हूँ मैं। बोल तो ऐसे रहे जैसे कोई बहुत बड़ा काम करते। शायद नहीं बोलती हो, बोलने के अलावा कोई और काम भी करते हो नहीं? काम ही तो करना चाहती हूँ, एक आखिरी काम, मरने से पहले। कैसे आदमी हो तुम? मैंने इतनी बार बोला कि मैं मरने वाली हूं, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं पूछा क्यों? मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। चक्कर में तो तुम उसी दिन पड़ गए थे जब तुमने वो पैकेज खोला। मरना तो एक दिन सभी को है, फिर उसके बारे में सोचो उसके हर रोज परेशान क्यों है? मैं अपनी जान के लिए परेशान नहीं, अपने दोस्तों की जान के लिए परेशान हूं जो इज्जत के नाम पे बलि चढ़ने जा रहे हैं। क्या? हॉनर के लिए? सुना तो होगा ना तुमने, मेरी बेस्ट फ्रेंड उसकी शिकार होने वाली है। Thank you.
पूरी बात बताओ। दीक्षा मेरी बेस्ट फ्रेंड, कॉलेज में उसे धैर्य से प्यार हो गया था, ये जानते हुए कि दोनों अलग कम्युनिटीज से हैं, फिर भी उन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। धैर्य को तो उसके घर से निकाल दिया गया था, और दीक्षा के पापा जब उन्हें पता चला कि दीक्षा और धैर्य की शादी हो गई है मंदिर में, उन्होंने पिता और धैर्य दोनों को मारने के लिए आदमी भेजे। दीक्षा को कभी भी उसकी माँ का प्यार नहीं मिला, बहुत प्यार करती है वो अपने पापा से। उसने कभी सपने में भी नहीं कि उसके पापा उसकी जान लेना चाहेंगे। आजकल के जमाने में भी ये सब होता है, और वो भी पढ़े लेकिन लोग ये सब कर रहे हैं। काश पढ़ाई उनकी सोच बदल सकती। लेकिन ये सब हो रहा है, और जब मुझे पता चला कि दीक्षा और धैर्य की जान खतरे में, तो मैंने उन्हें भागने में मदद की, लेकिन मैं पकड़ी गई। वो उन दोनों को मारने वाले हैं। ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता? मैंने उनकी बात सुन ली, और उन दोनों को कहां ले जा रहे मारने के लिए मुझे पता है। I don't believe this. और तुम जैसे लोग जो इन बातों को देख के भी अनदेखा कर देते, ऐसे लोगों की मदद करके उन्हें बढ़ावा देते। मैं किसी की मदद नहीं कर रहा हूं, बस अपना काम कर रहा हूं और कुछ नहीं। तो तुम गलत काम कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत बहादुरी का काम कर रहे हो? बाहर से जितना बहादुर दिखते हो ना, अंदर से उतने ही खोखले हो। इसीलिए तो इन सब चक्करों में पड़ने से डरते हो, है ना? Shut up. क्यों? गलत काम है ना? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मदद करो मेरी, दीक्षा और धैर्य को बचाने में। फिर शायद हम चैन से मर पाए। क्यों कर रही है तुम ये सब? और वो भी इतना बड़ा सैक्रिफाइस। कभी किसी की मदद की है? नहीं ना, मैंने भी कभी प्यार नहीं किया। लेकिन इन दोनों को देखकर लगा, क्या कोई एक दूसरे से इतना प्यार कर सकता? आई विश मैं भी कभी ऐसा प्यार महसूस कर पाती। पता है इन दोनों के प्यार ने ना मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया। सोचो अगर सच में प्यार हो, तो प्यार किसी को भी एक अच्छा इंसान बना दे सकता है। आज तक किसी की मदद नहीं की है मैंने, फिर तुम्हारी क्यों? तुम्हारी मदद करके ऐसा लग रहा है कि शायद मुझ में भी एक अच्छा इंसान है। क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट है? तुम मुझे छोड़ दो या फिर मार दो, या फिर उस डिब्बे में जाके बंद कर दूं जहां से उठा के लाया हूं। सो जाओ। गुड नाइट। ऑनर के नाम पे हमारी सोसाइटी में जो क्राइम होता चला जा रहा था, उसके अगेंस्ट जिया ने आवाज उठाना बहुत ही ज्यादा जरूरी समझा, और इस फैसले ने रक्षित को बहुत ही ज्यादा इंस्पायर किया। इनफैक्ट रक्षित तो कुछ ऐसा करने वाला था जो उसने कभी करने की सोची भी नहीं, और थोड़ा एम्बेरस भी था रक्षित, क्योंकि वो अब तक अपने आप को बहुत ही ब्रेव और बहुत ही डेयरिंग मानता। प्यार हुआ नहीं ऐसे कभी, सिर्फ प्यार का एहसास समझती है, और फिर भी किसी और के प्यार के लिए अपनी जान देने को तैयार है, और मैं
अरे कहाँ पहुंचा? फोन क्यों किया? अरे कल सुबह तक पार्सल पहुंचेगा या ना पहुंचेगा? पार्सल कैसे लड़के? देख, सारे को डबल पैसे मिलेगा, उसे खत्म कर दे, काम ठीक से कर दे, पुलिस रिकॉर्ड से हमेशा के लिए तारा नाम मिटा दिया जाएगा, काम हो जाना चाहिए। काम हो जाएगा। यहाँ पास का एक गांव है, गामनगर। कितना दूर है यहाँ से? कुछ 2-3 घंटे दूर। हमारे दोस्त? बोलो कब तक पहुँचेंगे? कल रात तक। Are you very sure? हाँ। गामनगर में कोई भी नहीं रहता, बिल्कुल सुनसान गांव है, इसीलिए तो भुवनेश प्रधान अपने सारे गैर कानूनी काम वहीं से करता है। तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? बताया बहुत बार, लेकिन भुवनेश प्रधान के नाम के आगे पुलिस मेरी बात कहां माने। किसको फोन लगा? क्या हुआ, इरादा बदल दिया अपना? गामनगर ऑनर किलिंग के नाम पर 2 लोगों को मारा जा रहा है कल रात। क्या? तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन चलो जल्दी चलो। तुम ऐसा क्यों कर रहे? अगर पुलिस आ जाएगी तो वो तुम्हें अरेस्ट कर ले जाएगी। अगर पुलिस आ जाएगी तो आई होप कि वो आ जाए। लेकिन तुम अपने आप को अरेस्ट क्यों करा रहे? मेरे लिए तुम ये जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? पता नहीं। चलो लेट्स गो। तुम एक अच्छे इंसान हो, मुझे पता था। नहीं, बुरा इंसान हूं। लेकिन मेरे लिए नहीं। क्यों? हमें देर हो रही है, चलो चलो। ओह, तो अब मैं तुम्हारे लिए सिर्फ पार्सल नहीं रही। नहीं, समझिए, मैं रक्षित। थैंक यू रक्षित। आप इस गांव में सच में रुकना चाहते हैं? एक बात बताइए, आप बार बार हमें यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? इस गांव को शराब है, यहाँ कोई रुकना नहीं चाहता। अभी भी वक्त है, आप भी चले जाइए। यह अंधविश्वास भुवनेश प्रधान ने ही फैलाया ताकि वो अपने सारे गलत धंधे यहीं से चुपचाप कर सके। आज रात तो हमें यहीं रुकना होगा, क्योंकि काम चाहे जितना भी गलत क्यों ना हो, भुवनेश प्रधान हर काम मुहूर्त के हिसाब से ही करता है। और इसीलिए आज पूर्णमासी की रात चुनी है ये काम करने के लिए। क्या हुआ? क्या सब जानती हो तुम?
आजकल के जमाने में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता जितना तुम कर रही हो, वो भी अपने दोस्त के लिए। दीक्षा और मैं बचपन से ही दोस्त, और बचपन से सिर्फ दोस्त नहीं, उसने मेरी मम्मी पापा की कमी भी उसी ने पूरी की। वैसे तुम्हें पता है, हम दोनों ना बचपन में यहाँ बहुत आते थे, दीक्षा और मैं खूब खेलते थे, और ये देख रहे हो ये झूला, ये तो हमारा फेवरेट हुआ करता था। किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्के जुनून रुके नहीं है बावरी, ये आशिकी गुस्ताख सी, ये आशिकी बेबाक भी। हो जाएगा। चलो चलो आओ। बहुत मुश्किल से लाई हुई ये जाम। एक बात बताओ, इतने सालों की प्रथा खत्म करने जा रही हो, तो डर नहीं लगता? तुम्हें डर नहीं लग रहा है? किस बात का? पुलिस आएगी, मैं अरेस्ट करके ले जाएगी। कर दूंगा, जरूर करूंगा। हमारे खानदान के नाम पे जो कलंक लगाया ना तूने, तो तुम दोनों को मार कहीं मिटेगा। पर पहले अपने आशिक को मरता हुआ देख, खत्म कर दो इसे।
प्लीज नहीं, प्लीज पापा। रुक जा छोरे, 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 और दे मारे आदमी को, और दे। और तुम लोग जाके उन दोनों को भी पकड़ के लाओ। ये भूल मत कर, छोड़ दो उसे। कैसे हुए थारी? रुक बंद। और दे इन सबको। नहीं। बोल दो। नहीं, मुझे मार दो, इन सबको छोड़ दो। रक्षित, रक्षित तुम यहाँ से भाग जाओ। लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तू चुप कर, आज जो कुछ भी हो रहा है ना, सारी वजह से हो रहा है। सब्जी नहीं, मत मारो इसे। क्रिमिनल नहीं हो तुम, अच्छे इंसान हो, छोड़ दो इसे। इसने तुम पर हाथ उठाया, इसे तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रक्षित रुक जा, रक्षित छोड़। लेके जा इसे। तो आखिरकार तूने मेरी मदद करने की ठानी ली, बढ़िया। चले इंस्पेक्टर साहब, इसने तो आपकी मदद की है ना, प्लीज इसे छोड़ दीजिए, ये अच्छा इंसान है। नहीं जी, वो नहीं, लेकिन अच्छा इंसान बनने जा रहा हूं। थैंक्स टू यू। चल रक्षित। मैं तुम्हारा वेट करूं क्यों? क्योंकि उस प्यार वाली फीलिंग का एहसास हो गया है मुझे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। नहीं जी, मैं क्रिमिनल हूं, मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ये आशिकी गुस्ताख सी, ये आशिकी बेखौफ सी, ये आशिकी। आज रक्षित के सेंटेंस को 7 साल पूरे होने वाले, बस कुछ ही पलों का इंतजार और जिया और रक्षित एक बार फिर से एक दूसरे के करीब होंगे। वेल, आई थिंक आपको भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, टू बी वेरी प्रिसाइज 7 दिन का इंतजार। 7 दिनों के बाद मैं आपसे फिर मिलने वाला हूँ विद अनदर ब्यूटीफुल लव स्टोरी। टिल देन कीप फॉलोइंग योर लव गाइस। मेरी फ्रेंड को किसी दूसरे कम्युनिटी के लड़के से प्यार हो गया। जब उसके पापा को पता लगा तो अपना नाम खराब होने के डर से वो अपनी बेटी को हॉलिडे के बहाने दूसरे कंट्री भेजने की प्लानिंग करने लगे। हमने उन दोनों को भागने में मदद की। मेरे बेस्ट फ्रेंड को सिचुएशन से निकालने के दौरान हम भी एक दूसरे को प्यार करने लगे, एंड वी आर अ हैप्पी कपल नाउ। हेलो एवरीबॉडी, अगर आप हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं या हमारे शो के बारे में ऐसा कुछ है जो आप हमें बताना चाहते हैं, यू कैन ट्वीट अस @bindastv #ये है आशिकी।